नमस्ते दोस्तों, कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना प्याज बिना लहसुन वाली आलू टमाटर की भंडारे स्पेशल सब्ज़ी, जो कि हम भंडारे में अक्सर खाते हैं ना, वही सब्ज़ी घर में बनाएंगे, वही टेस्ट आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं फटाफट से शुरू। तो यहाँ पे हमें भंडारे वाले आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें उबले हुए आलू चाहिए। तो आलू को हमेशा जब भी फोड़ें तो आलू को पहले उबाल लें, फिर ठंडा कर लें, तब फोड़िएगा, फिर आप देखिएगा सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनती है। अक्सर जो पहली गलती करता है ना हम लोग, वो ये होती है कि आलू को उबालते हैं और गरम गरम छील करके गरम गरम ही फोड़ लेते हैं। उससे क्या होता है ना, आलू बहुत ज़्यादा फूट जाते हैं, मैशी हो जाते हैं, और गरम गरम ही सब्ज़ी बनाते हैं ना तो आलू एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पड़ जाते हैं। तो वो काम नहीं करना है, आलू को पहले उबाल करके अच्छे से ठंडा कर लें, फिर आप इन्हें इस तरीके से फोड़ें। कुछ बारीक, कुछ आलू के थोड़े बड़े बड़े पीस कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर सरसों के तेल में बनाएंगे, तो मैंने सरसों का तेल ले रही हूँ, साथ में जीरा डालेंगे। साबुत धनिया को हाथों से कूट लें तब इसमें ऐड करें, और कुछ लोग यहाँ पे सौंफ डालते हैं, लेकिन सौंफ नहीं, साबुत धनिया डालेंगे, हींग डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इन सभी चीज़ों को बढ़िया से चटकने देंगे, साथ ही में यहाँ पे अदरक भी ऐड करेंगे। तो 1 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया है, और सारी ही चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर बढ़िया से भूनेंगे। यहाँ पे भूनना अच्छे से है ताकि सब्ज़ी में अदरक, हरी मिर्च, जीरा, साबुत धनिया, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो जब ये सारी चीज़ें अच्छे से तड़क जाएँ तब इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और फटाफट से डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला इसी स्टेज पे डालेंगे, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, और कलर अच्छा है उसके लिए बहुत थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो सीधे रेड चिली पाउडर ही ऐड कर दीजिएगा। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, जैसी आप क्वांटिटी में आलू ले रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब तेल में ही सारे मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स, और फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, मसाले जलने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। फटाफट से जल्दी से थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी क्यों ऐड कर रहे हैं, ताकि पानी में मसाले अच्छे से फूल जाएं, और पानी डालने से मसाले ओवर कुक नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं। आप फटाफट से इसमें 2 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर काट करके डाल दिए हैं। आप चाहे तो थोड़े छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर सकते हैं, लेकिन जो भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी होती है ना, इसमें बड़े बड़े पीस दिखते हैं टमाटर के, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस टमाटर को हमें जो है हल्का सॉफ्ट पड़ जाने तक इस तरीके से चलाते रहना, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, ताकि मसाले तो पके ही, साथ में टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जितना अच्छा ये मसाला भुना हुआ होगा, उतनी ही टेस्टी हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन करके तैयार होगी। और कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट पड़ने लगे हैं, और मसाले धीमी आंच में पक रहे थे तो बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू भी इनमें आने लगी है। और जब आप देखना टमाटर को प्रेस करके देखना, टमाटर हल्के हल्के मैशी हो जाए, तब फटाफट से इनमें आलू ऐड कर देना। तो लीजिए हमने आलू ऐड कर दिए हैं, और आलूओं को भी हमें मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना, कहीं पे भी अभी आपको फ्लेम हाई नहीं करनी है। हाई फ्लेम में पकाने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, मसालों का पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, एकदम जल्दी से मसाले जो है ड्राई हो जाएंगे, फिर मसाले जब पके नहीं हैं तो बढ़िया टेस्ट भी नहीं आता है। चलिए अब यहाँ पर आलू मसालों को मिक्स कर लिया है, फटाफट से ऐड कर देते हैं पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ी झोल वाली खाना पसंद करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पानी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है, और अब मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल परफेक्ट है।
पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ पीसीस बहुत छोटे हैं, कुछ पीसीस बहुत बड़े हैं। तो ये देखिए, थोड़े बड़े पीस खाने में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़्यादा बड़े पीसीस हैं तो हम जब चलाते जाएंगे तो आलू को थोड़ा थोड़ा मैश करते जाएंगे। अपने अकॉर्डिंग आलूओं को मैश करते जाना, जितना आपको छोटे बड़े आलू पसंद हो। तो ये देखिए, इसमें एक उबाल आ गया है और आलू बड़े बड़े मुझे थोड़े लग रहे हैं, तो मैं इसे मैश भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक उबाल हमें तेज़ गैस पे लगा लेना है, इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और धीमी आंच में इसे पकने के लिए छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट में ही ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसमें ऊपर से डालेंगे काली मिर्च, भुने जीरे का पाउडर। तो इस स्टेज पे जब सब्ज़ी पक रही हो तभी हमें डालना है, ताकि जब हम ये सब्ज़ी खाएं ना तो काली मिर्च और भुने जीरे का फ्रेश फ्लेवर मुंह में आना चाहिए। एकदम बढ़िया चटपटी तीखी मसालेदार सब्ज़ी खाते हैं ना भंडारे वाली, बस उसी तरीके से। और इसे लगभग पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और सब्ज़ी हमारी लगभग लगभग तैयार है। साथ में मैं 2 साबुत हरी मिर्च डाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके से हल्की सी ये सॉफ़्ट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा सॉफ़्ट करना है हरी मिर्च को, ताकि जब हम खाएं ना तो एक्स्ट्रा तीखी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने डाल दी, आप चाहे तो मत डालिएगा। साथ में इसमें कसूरी मेथी को हाथों से मसल करके डालना लास्ट में, ताकि इसमें जो कसूरी मेथी का फ्लेवर आए ना, बहुत बहुत अमेजिंग आए। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हमें धीमे आंच में पकने के लिए छोड़ देना है। और देखिएगा, 2 से 3 मिनट के बाद हमारी जो सब्ज़ी है ना, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ और डाल देनी, जब ऑलमोस्ट सब्ज़ी पक जाए, कम्प्लीटली कुक हो जाए, तब लास्ट में डालना है 1 चम्मच भर के आमचूर, ताकि इसमें खटास परफेक्ट आ जाए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी तैयार हो। और साथ ही में आमचूर के ऊपर से ही डाल देंगे हरा धनिया, ताकि हरे धनिए का भी इसमें फ्रेश फ्लेवर आए। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और लीजिए हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए भाई, हमारी स्वादिष्ट जो है आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्ज़ी हो गई है तैयार। फ्रेंड्स, अभी आपको ये हल्की सी पतली लग रही होगी, लेकिन जब हम इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के बाद, फिर आप देखेंगे बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।